दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। रेलवे एनटीपीसी भर्ती 2019 की परीक्षा को लेकर अधिकारियों के बड़े बयान आए हैं और लाइव दिखाएंगे हम आपको कि आखिर कब तक हो सकती है आपकी रेलवे एनटीपीसी की परीक्षा। लेकिन उससे पहले एक बड़ी सूचना आपको देना चाहेंगे, जो लोग घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं बहुत अच्छी, उनके लिए एक एप्लीकेशन है। आइए एप्लीकेशन के बारे में जान लेते हैं जिससे आप जबरदस्त अर्निंग कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, आखिरी में आपके फायदे वाली बातें हैं। साथियों, आज हम जिस एप्लीकेशन के बारे में आपको बताएंगे इसका नाम है jupy.com और इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहां से फाइनली डाउनलोड कीजिए, उसके बाद साइन अप कीजिए। सिंपल सा फॉर्मूला है और उसके बाद आप क्या कीजिए कि अपना जो प्रोफाइल है उसे कंप्लीट कीजिए और आप यहां पर जो अर्न है और रेफर एंड अर्न उसमें आप रिडीम कीजिए। रिडीम यहां पर डालिए क्या, पेटीएम 12, और 12 डालने के बाद कोड है, ये कोड डालने के बाद सक्सेसफुल होगा। उसके बाद यहां पर फिर से 3 डॉट पर क्लिक कर माई वॉलेट पर क्लिक कीजिए और यहां पे आपको एड मनी पर क्लिक करना है। 10 रुपए एड करना है अपने पेटीएम से या आप कहीं से एड करेंगे। यहां पर आपको ध्यान देना है कि विन 10 यहां पर आप कोड लगाएं और कोड लगाने के बाद विन 10 कोड लगाने के बाद अप्लाई करें और प्रोसेस करें और हम फाइनली यहां पर पेटीएम से या अमेजोन पे से या फोन पे से या नेट बैंकिंग से हम यहां पर पे करेंगे, पेड करेंगे इसको 10 रुपए। तो चलिए हम इस एप्लीकेशन को 10 रुपए पेड करते हैं। तो हम यहां पे पेटीएम से पेड करेंगे, तो पेटीएम से हम पेड कर दिए। उसके बाद यहां पे बात आती है कि जैसे ही 10 रुपए पेड करेंगे आपको 10 रुपए का बोनस मिल जाएगा, यानी कि आपके पास अब 25 रुपए हो गए दोस्तों। उसके बाद अब आप 25 रुपए का यहां पर कोई यहां पे जो क्विज आता है, कोई यहाँ पे गेमिंग आती है, इसके मदद से आप जीत सकते हैं काफी सारे रुपए। जैसे कि हम यहाँ पर आपको कंटिन्यू कर दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो मैच चल रही है, इस मैच पे हम यहाँ पे क्लिक किए और क्लिक करने के बाद ऊपर आपको सिलेक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ना कि टिकट का। टिकट के ऊपर सिलेक्ट का ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक करना है और रजिस्टर्ड कर सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि उसके बाद आपको सिंपल सा उसमें बैक आ जाना है और जो भी गेमिंग आपको अच्छी लगती है उसे आप कर लीजिए। अब बात आती है कि आप इस 25 रुपए को अपने पेटीएम वॉलेट में कैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। तो यहां पर 25 रुपए आपके पास हैं, तो आप कैसे इसे ट्रांसफर करेंगे, उसके लिए आपको सिंपल सा क्या करना है कि यहां पर आपको 25 रुपए लिख लेना है आसानी से और 25 रुपए लेकर आपको अपने पेटीएम वॉलेट में भेज लेना है। तो यहाँ पर सक्सेसफुल विड्रॉ हो गया और अब हम चलते हैं पेटीएम वॉलेट में, पेटीएम एप्लीकेशन को खोलते हैं और वहां पे देखते हैं कि हमें 25 रुपए मिले या नहीं मिले। तो यहां से तो कट चुके हैं 25 रुपए, अब हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे सक्सेसफुल विड्रॉ हो चुका है दोस्तों। तो इस एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा डाउनलोड करने के लिए, आप जाकर डाउनलोड कीजिए और आप अच्छे तरीके से अर्न कीजिए। बहुत सिंपल सा एप्लीकेशन है, आपको यूज करने में बहुत ही मजा आएगा, तो जाइए दोस्तों। चलिए पहले यहाँ पर एनडीटीवी इंडिया की तरफ से जो खबर आ रही है उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग लाइव देखेंगे कि आखिर क्या वीडियो है, कैसे क्या हो सकता है। तो यहाँ पर रेलवे एनटीपीसी के उम्मीदवार परीक्षा की तारीख और एडमिट कार्ड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल ऑफिशियल वेबसाइट पर एनटीपीसी से संबंधित कोई अपडेट नहीं आया है। हमने एनटीपीसी परीक्षा को लेकर रेलवे अधिकारियों से बात की तो रेलवे अधिकारियों ने एनडीटीवी को बताया, रेलवे भर्ती बोर्ड अभी तक परीक्षाओं को आयोजित करने में लगा हुआ है लेकिन अभी तक यह तय नहीं कर पाया है कि उसे पहले कौन सी परीक्षा लेनी है। हम उम्मीदवारों और परीक्षा केंद्रों की संख्या को ध्यान में रखकर परीक्षा आयोजित करेंगे। हमने अधिकारियों से पूछा क्या अगस्त में परीक्षा हो सकती है, तो उनका जवाब आया अभी तक यह तय नहीं हो पाया है क्योंकि हम पूरी तरीके से परीक्षा पर कार्य कर रहे हैं और यहाँ पर आपके एग्जाम के बारे में अभी यह भी क्लियर नहीं है कि एनटीपीसी पहले होगी या ग्रुप डी पहले होगी। तो आइए जान लेते हैं वीडियो के माध्यम से कि कौन सी परीक्षा पहले हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आकर्षित करना चाहता हूँ। भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने RRB 01/2019 के एक एडवर्टाइजमेंट थ्रू 1 लाख से ऊपर भारतीय रेल की भर्ती का एक ऐड निकाला हुआ है। काफी बच्चों ने देश भर के अंदर इस एग्जाम के लिए अप्लाई किया है, फीस भी डिपॉजिट कराई है, पर कुछ छोटी छोटी गलतियां बच्चों की रह गई, कोई फोटो की, कोई साइन की, कोई कैटेगरी भरने में। बच्चों की फीस डिपॉजिट है सर, और मैं इन गलतियों के कारण उनके फॉर्म रिजेक्ट हो चुके हैं। मेरा सर आपसे अनुरोध है, सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा मैं कि इन बच्चों को दोबारा से मौका दिया जाए। अभी भी 1.5 महीना का समय बचा हुआ है जिसके अंदर भी एग्जाम होने हैं इन बच्चों के, तो पोर्टल को दोबारा खोल के इन गलतियों को दूर करने का उनका मौका दिया जाए, मेरा आपसे यही अनुरोध है सर। तो भाई वीडियो को आपने देख लिया होगा, पूरी जानकारी ले ली होगी। यहाँ पर कहना यह है कि अभी हमारे पास ग्रुप डी की परीक्षा के लिए 1.5 महीने का समय है, अर्थात पहले
ग्रुप डी की परीक्षा हो सकती है और उसके बाद में एनटीपीसी की परीक्षा होगी, जैसा आपने वीडियो में देखा होगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ग्रुप डी की परीक्षा के लिए 1-1.5 महीने का समय बचा है, तो पहले ग्रुप डी की परीक्षा होने की संभावना बनती है, बाद में एनटीपीसी की परीक्षा है जो तकरीबन नवंबर के आसपास होगी, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर बात करें यहाँ पर परीक्षा एनटीपीसी की तो नवंबर में जा सकती है। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा और पसंद आया होगा। धन्यवाद।